तो दोस्तों, समस्या चाहे कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान है मौलाना जी के पास। बिना समय गवाए तुरंत कॉल करें मौलाना अब्दुल कलाम को। उनका नंबर है +91 9592698275। किसी को वश में करने के लिए इस्लामिक वजीफा दुआ। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं ये वजीफा। इंशाल्लाह आपको जरूर सफलता मिलेगी, समस्या चाहे कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान मौलाना जी के पास। बिना समय गवाए तुरंत कॉल करें मौलाना अब्दुल कलाम को। उनका नंबर है +91 9592698275। अगर आप किसी लड़के या लड़की को प्यार करते हैं और उसका दिल हासिल करना चाहते हैं, उसको अपने साथ करना चाहते हैं, उसको वश में करना चाहते हैं, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। किसी को अपने वश में करने का वजीफा, किसी को आप तुरंत वश में करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर हम किसी को भी अपने वश में करके उसे मनचाहा काम करवाना चाहें तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वश में करने का वजीफा, क्योंकि वजीफा और अमल किसी इंसान को अपने वश में करने में मदद करते हैं। अपने वश में करने के लिए हिंदी में टोटके बहुत सही है, लेकिन उन टोटकों के सिवाय वजीफा और अमल भी बहुत लाभदायक हैं। अपना खोया प्यार हासिल करना हो तो आप ये वजीफा मगरिब की नमाज के बाद करें। सबसे पहले वजू करें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस आयत को एक बार पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूंक मारें, अपने चेहरे पर फेरें। अब आप जहां भी जाएंगे वहां के लोग आपकी वश में हो जाएंगे। आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस अमल को तब तक करें जब तक आपका प्यार वापस ना आ जाए। ये अमल लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अल्लाह से अपने खोए प्यार को वापस लौटने की दुआ करें। इंशाल्लाह आपका प्यार खुद ही चल के आपके पास लौट आएगा और आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको जरूर सफलता मिलेगी। समस्या चाहे कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान मौलाना जी के पास। बिना समय गवाए तुरंत कॉल करें मौलाना अब्दुल कलाम को। उनका नंबर है +91 9592698275। समस्या चाहे कैसी भी हो, समस्या का समाधान मौलाना जी के पास। तो दोस्तों, जो आयत है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों, देखते रहें वशीकरण स्पेशलिस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।